हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रेसिपी विद मधु में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं आज गेहूं के आटे और आलू की बहुत ही टेस्टी हेल्दी स्नैक्स बनाने जा रही हूं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। फिर मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, थोड़ी सी इसमें मंगरेला मैं डालूंगी, इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालूंगी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, थोड़ी सी इसमें मैं ऑयल डालूंगी। फिर इनको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से इसका डो तैयार कर लूँगी। बिल्कुल इसकी डो मीडियम होनी चाहिए इस तरह से। फिर मैं बॉयल आलू ले रही हूँ। फिर इनको कद्दूकस से इनको क्रश कर लूँगी इस तरह से रगड़ कर। देखिए आलू को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया। मैं इसमें थोड़े से हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी इसमें नमक डाल दूँगी। इसमें थोड़े से मैं ऑयल ऐड करूँगी और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी इसमें आटे लेकर इसकी डो की जो छोटी छोटी लोई डो बनाकर इस तरह से इसको रोटी की जैसे पतले इसको बेल लूँगी। फिर इसमें जो आलू का मैंने जो बैटर तैयार किया है इसमें डाल दूंगी रोटी की तरह रोटी की, और इनको हल्के हल्के चारों तरफ से चम्मच के जरिए फैला लूंगी। ये जो आलू की बैटर इसको अच्छी तरह से बिल्कुल चारों तरफ फैली होनी चाहिए। बिल्कुल तभी हम हमारी जो स्नैक्स है बिल्कुल टेस्टी बनेगी। स्नैक्स है जिस साइड के जो छोटे छोटे उनको भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिला लूँगी फैला फैला कर इस तरह से। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैंने अच्छे से मिला लिया आलू को। मैं उसके ऊपर एक और इसी तरह से बेल कर रोटी रखी थी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी इस तरह से। इनको हल्के हल्के बेलन से बेल लूँगी बिल्कुल बराबर, इसको सेप दूंगी एक बराबर। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से बेल लिया। मैं चाकू की मदद से इनको इस तरह से कट करूंगी। अब मैं इसमें से एक पीस लेकर इसका मैं डिजाइन दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें डिजाइन इसकी देनी है। देखिए मैंने यहाँ पर सारे डिजाइन तैयार कर लिए हैं स्नैक्स। अब मैं एक कढ़ाई में तेल गरम कर ली हूँ, उसमें मैं एक एक करके सारे स्नैक्स को डालूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर सारे को डाल लिया। अब मैं दूसरी साइड से इसको पलट कर इसको भी दूसरी साइड से इसको पका लूँगी। देखिए यहाँ पर पक चुकी है हमारी स्नैक्स। देखिए इस तरह से हमें इनको एक अच्छी कमर से निकाल लूँगी प्लेट में। देखिए यहाँ पर हमारी टी टाइम स्नैक्स बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। बिल्कुल खाने में बिल्कुल क्रंची है, बहुत ही अच्छी लगती है बनने खाने में, और सभी घर के सभी को बहुत पसंद।